विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में आशा वर्कर्स, जो कि गुज़िश्ता 32 सालों से कबाइली इलाकों में और पिछले 18 सालों से मैदानी इलाकों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते चले आ रहे हैं। रियासत में तकरीबन 28,000 आशा वर्कर्स अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये तमाम ख़वातीन जो कि कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखती है, और उन्होंने शुरू से ही हुकूमत की जानिब से कई सारी तरबियतें हासिल की, जैसे रजिस्टर लिखना, सर्वे करना, ऑनलाइन काम करना, घर घर फिरकर तमाम हामिला ख़वातीन के बारे में जांच करना, हर किस्म की बीमारियों का पता लगाना, जैसे BP, शुगर, थायराइड वगैरह। हुकूमत की जानिब से फराहम की गई अद्वियात को भी अवाम को फराहम करने की जिम्मेदारी भी आशा वर्कर्स को सौंपी जा रही है। लोगों को वक्तन फ़वक्तन मुनासिब एहतियाती तदाबीर से अवेयरनेस पैदा करना भी इनकी ही जिम्मेदारी बन चुकी है। इसके अलावा हामिला ख़वातीन, शीरख़्वार बच्चों और दीगर लोगों की भी ये बेहतरीन खिदमात अंजाम देते चले आ रहे हैं। आशा वर्कर्स, जिन्होंने कोरोना वायरस के इस तरह के भयानक दौर में भी इसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स के साथ मिलकर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और कंधे से कंधा मिलाकर दिन हो या रात बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, जिसके चलते WHO ने आशा कारकुनान को सेहत में आलमी रहनुमा के तौर पर अवार्ड देने का भी ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद भी रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसिल आशा वर्कर्स की बेहतरीन खिदमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बतारीख 2 अक्टूबर बरोज़ पीर को CITU के बाहमी इश्तराक से सैकड़ों आशा वर्कर्स ने मिलकर बड़े पैमाने पर तारीखी चार मीनार के दामन में एहतजाज करते हुए इनके मुतालबात को पूरा करने का किया मुतालबा। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम मीना है, आशा वर्कर हैदराबाद इंचार्ज हूँ और CITU डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा आशा वर्करों का स्ट्राइक आज को 8वां दिन है। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के दिन हम गांधी के फोटो के सामने हमारी रिक्वेस्ट लेटर लगा के हम रिक्वेस्ट कर रहे गांधी साहब को, गांधी जी आप इस दुनिया में नहीं है, हमारी मांगे सुनो, हमारी समस्या सुनो, हमारी डिमांड सुनो बोल के आज गांधी फोटो के सामने हमारा पूरा डिमांड की लेटर लगा रहे सो है। चार मीनार बहादुरपुरा के तरफ से हम पूरा आज 8वां दिन का स्ट्राइक चार मीनार के सामने कर रहे सो है। हमारा मेजर मुद्दा है कि हमारे को 18,000 तनख्वाह फिक्स्ड करना होगा। जो जो कामा करवा रहे हैं उसको कुछ भी पैसा नहीं दे रहे, उसका पैसा भी इमिडिएटली देना बोल के, और हमारा ESIPF की सहूलत नहीं है, सबकी हेल्थ की सहूलत हम देखते हैं लेकिन हमारी सहूलत नहीं है कुछ भी, पेंशन की नहीं है, ESI का नहीं है, इसीलिए हमको ESIPF की देना बोल के हमारा दूसरा डिमांड है। हमारा तीसरा डिमांड क्या है बोले तो, जॉब चार्ट रिलीज करो हमको। कई को बोलते ये काम बोल रहे, वो काम बोल रहे, कुछ भी कामों का पैसा नहीं दे रहे, फिर वही हमारे को पारितोषिकम नाम पे सैलरी दे रहे सो है। ये नहीं चलता साहब, हमारे को भी फिक्स्ड बनाओ। बात जो आंध्र राष्ट्र में जगन CM पूरा 10,000 फिक्स्ड करके दे रहे सो है, टारगेट नहीं लगा रहे। ANC लाओ, PNC लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सर्वे करो, वो सर्वे करो, BLO का ड्यूटी करो, ऐसा पूरा हमारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा कर रहे हैं, हरासमेंट है हमारे ऊपर, डरा रहे सो है, काम नहीं कर रहे तो ड्यूटी से हटाते बोल के। ये कई का कानूनी है साहब, आप लोगों को बड़े बड़े लोग हैं गवर्नमेंट का औचार, हमारा 8वां दिन का स्ट्राइक का रिक्वेस्ट क्या है बोले तो, हमारे को फिक्स्ड सैलरी देना होगा। फिक्स्ड सैलरी भरे 18,000 पूछ रहे हम, आज महंगाई पूरा बढ़ गए सो है, चावल का दाम, दाल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आज खाने को खुद भी जाना बोले तो हजारों हजारों पकड़ के दुकानों में गए तो रेशन आ रहे सो है, अगर 100 का नोट पकड़े तो कुछ भी नहीं आ रहे साहब। इसीलिए जैसा महंगाई बढ़ रहे हमारे तनख्वाह बढ़ाना है, और ये जो आप हमारे को 32 रजिस्टर है, ये रजिस्टर पूरा गवर्नमेंट ही देना है, हम आज तक पूरे वो रजिस्टर लिखना, ये लिखो वो लिखो बोल के हमारे ऊपर हरासमेंट है, और हमारे को 9 से लेकर 4 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, 4 बजे के बाद में हम ड्यूटी नहीं करते। अरे हमारे को ड्यूटी करे तो भी सैलरी नहीं दे रहे, इसके नाम पे उसके नाम पे भी सैलरी, आधी रात को फोन करते रहे
रहे थे, सोना नहीं, घर संसार परिवार पूरा छोड़ के ये ड्यूटी करना है, इसीलिए वर्कलोड ज्यादा है, कम करो बोल के बोल रहे, हमारे ऊपर हरासमेंट ज्यादा है, हरासमेंट नहीं करना, हम पूरे आशा वर्कर है, सेवा करने के लिए स्कीम वर्कर है, केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र गवर्नमेंट पूरा हमारे ऊपर हमारा समस्या पे बुला के चर्चा करके मेजर डिमांड 18,000 है वो उसको बुला के अगर चर्चा करे तो अच्छा है, नहीं तो आज को 8वां दिन है, आज कल से अगर पूरा 5 तारीख के अंदर बुला के बात नहीं करे तो 5 तारीख के पूरा 18,000 पूरा आज हैदराबाद रहने दो, तेलंगाना स्टेट में रहने दो, 28,000 मेंबर आशा वर्कर पूरे रोडों पे आगे आवाज उठाने के लिए तैयार है, वहां तक नक्को लालो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे रिक्वेस्ट है हमको बुलाओ चर्चा करो और फिक्स्ड सैलरी का चर्चा करो, पीआरसी बढ़ाओ, हमको सबको कैसा बढ़ा रहे वैसा बढ़ाओ, क्या साहब टारगेट हटा दो, हमको टारगेट नहीं लगाना, आप लोगों को औरतों को टारगेट लगाए तो क्या, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के उनको परमिशन ना दे के गवर्नमेंट में डिलीवरी करा बोल तो कहाँ से करवाते हैं, हमारा भी देखो सोचो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, एएनसी लाने के लिए कितना ट्राई कर रहे हैं, हम मोटोवाइड कर रहे हैं, बसियों में जा रहे, फील्ड में है, हम पूरा फील्ड वर्कर है, पहले गवर्नमेंट में पूरे आते थे डिलीवरी करवाते थे, आज पूरे प्राइवेट को जा रहे, कहीं को गवर्नमेंट में सही सहूलत नहीं है बोल के, पूरे प्राइवेट हमको बंद करो, गवर्नमेंट को पूरे डिलीवरी खुद आ जाते, हमारी एएनसी भी बढ़ जाते, हम भी खुश हो जाते, आप भी खुश हो जाते, हमारे ऊपर ध्यान दो साहब, हम पूरे गरीब है, गरीब से गरीब है, हमारे तनख्वाह बढ़ाओ, यही मेरा हमारा मेजर डिमांड है।